नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसकी हमारी 1 पॉइंट है, 3 एक्सरसाइज है, वो चल रही थी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो अग्रिम पेज प्रकार है कि पी बट्टा क्यू, जहाँ क्यू क्या है, जीरो नहीं है, के रूप में अनेक प्रिमेय संख्या के आपके अनेक उदाहरण लेने हैं। यानी आपको प्रिमेय संख्या के उदाहरण लेने हैं, वो भी पी बट्टा क्यू के रूप में, जो जो प्रिमेय संख्या है उनके आपके बहुत सारे आप उदाहरण ले लीजिए, जो भी आपका मन करे वो उदाहरण ले लीजिए। जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक में आपको पहले बता चुका हूँ क्या क्या पूर्णांक होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे कंडीशन दी गई है कि इनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी पी और जो आपका क्यू है ना, उनका कोई भी अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवयव का संतुष्ट कर देगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको बताना है, हमें जितना बोला गया है ना, हम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया कि आप है ना पी बट्टा क्यू के रूप में अनेक प्रिमेय संख्या के उदाहरण लीजिए। तो हमने इच्छा के अनुसार हमने ले लिया भैया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ठीक है, 1/7, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आप ही एग्जाम्पल ले, आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अनंत एग्जाम्पल। इन्होंने बोला कि आप अनेक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हमने इतने एग्जाम्पल ले लिए अपनी तरफ से। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि जो आपने पी बट्टा क्यू के रूप में ये लिए है ना, इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2/4 ले लो, 2/4 ये किससे डिवाइड होता है, दोनों ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये भी आपका 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हुआ एक बार, ये आपका कितने बार हुआ, 2 से डिवाइड। ये क्या यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपको कंडीशन क्या दी गई है कि इनके अंदर अभिनिष्ठ गुणनखंड है वो एक ही होना चाहिए, यानी दोनों मान सिर्फ और सिर्फ एक से डिवाइड होने चाहिए, और किसी अंक से दोनों मान एक साथ डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। मीन्स आप ले लो 5/10 ले लो आप, तो यहाँ पे अभिनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्यों कि ये 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे अभिनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे आपका अभिनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, यानी दोनों मान वो एक साथ सिर्फ एक से ही आपके डिवाइड होने चाहिए। ये यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दी गई थी। अब आपको आगे पूछा बोला जा रहा है कि जो आपने एग्जाम्पल लिए है ना, इनमें से कौन कौन से शांत दशमलव वाली संख्याएं हैं। ये हमने जो एग्जाम्पल लिया वो सभी प्रिमेय संख्या है, प्रिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक तो आपका शांत आता है, ठीक है, एक आपका अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। अशांत आवर्ती कैसे होता है वो भी मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार मैं आपको और बता दूंगा। तो यहाँ पे इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से शांत कौन कौन सा है, वो आपको बताना है। जो जो आपका मान शांत आ रहा है ना, उनके क्यू यानी जो हर है ना, इनकी क्या खासियत आपको देखने को मिल रही है, ये आपको बताना है। चलिए आगे हम सोल्व करते हैं, ठीक है। हमें अनेक प्रिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लेने को बोला गया था, तो हमने स्वेच्छा अनुसार ये एग्जाम्पल ले लिए। आगे कंडीशन थी कि इनके अंदर एक के अलावा कोई और संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो इनमें एक के अलावा कोई भी और संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हैं इनमें। आगे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सा इनका दशमलव प्रसार किन किन का शांत है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। 1/2 की बात करें, एक के अंदर हम 2 का भाग देंगे तो हमें पता है मान कितना आएगा, 0.5, 0.5 यानी आगे भाग और नहीं जा रहा है, तो ये क्या आपका शांत दशमलव है, ये आपका क्या है, शांत दशमलव है। इसी प्रकार 1/3, 1/1 के अंदर हम 3 का भाग देते हैं तो हमें पता है कि मान है वो 3 3 3 3 3 3 3, ये चलता रहेगा, ठीक है, इसका मीन्स क्या है, ये 3 की बारंबारता होगी, 3 है वो बार बार रिपीट होगा, तो ये आपका क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती है। आवर्ती मीन्स ये 3 संख्या वो रिपीट होती रहेगी, अशांत मतलब ये कभी भी रुकेगा नहीं। तो एक के अंदर जब भी हम 3 का भाग देंगे तो 0.333 चलता रहेगा, तो यानी अशांत आवर्ती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम 1.4 की बात करें, 1/4 की बात करें, आप कोई भी एग्जाम्पल लेना, प्रत्येक को आपको सोल्व करते हुए चलना है। पहले हमने एक के अंदर 2 का भाग दिया तब हमारा मान ये आया, एक के अंदर हमने 3 का भाग दिया तब हमारे पास मान ये आया, फिर एक के अंदर हम 4 का भाग देते हैं तब हमारे पास मान क्या आएगा, 0.25। आप चाहें तो एक के अंदर 4 का भाग देकर दे सकते हैं, मान कितना आएगा आपका, 0.25 आएगा, 0.25 आगे भाग नहीं हो रहे, मीन्स ये क्या है आपका, शांत है, ये आपका क्या है, शांत है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं एक बट्टा पाँच की। एक के अंदर हम पाँच का भाग देंगे तो आपको पता है मान कितना आएगा, पॉइंट बीस आएगा। पॉइंट बीस मीन्स ये भी क्या है आपका, शांत है। आप साथ साथ में भाग देकर देख सकते हैं, ठीक है। एक के अंदर आप पाँच का भाग देख कर चेक कर लीजिए, मान यही आएगा आपका, पॉइंट बीस आएगा। शेष पल जीरो हो जाएगा तो मीन्स ये आपका भाग क्या है, आपका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसी प्रकार एक बटा छः की बात कर लेते हैं। एक के अंदर छः का भाग देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट 1.6666 ये रिपीट होता रहेगा, तो यानी कि 0.16 के ऊपर बार होगी, सिर्फ और सिर्फ 6 के बार है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत। यानी कभी भी इसका अंत नहीं होगा तो ये अशांत है, ठीक है। यहाँ पे 6 की आवृत्ति हो रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। इसी प्रकार आप 1/7 को सोल्व कर लीजिए, फिर आप 1/8 को सोल्व कीजिए, 1/9 को सोल्व कीजिए, 1/10 को सोल्व कीजिए, 1/11 को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। 1/8 को सोल्व करते हैं, 1/8 को जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.125, ये इसका मान होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप 1/9 को सोल्व कर लीजिए, 9 को जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो यानी कि एक के अंदर आपको क्या करना है, 9 का भाग देना है, भाग पूरा नहीं जाएगा, भाग टूट गया आपका, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0, ठीक है। फिर आपका एक बार भाग गया तो यानी 9 शेष पल एक रह गया, फिर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं पॉइंट के बाद में, फिर आपका एक आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, इस प्रकार ये चलता रहेगा, कोई भी इसका एंड नहीं होगा। तो यानी एक के अंदर हम 9 का भाग देंगे तब आपका क्या आता है, ये 0.1 के ऊपर बार, यानी एक 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 है वो कितनी बार, अनंत बार है, वो रिपीट होता रहेगा, इसका कोई भी अंत है वो नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक के अंदर हम 10 का भाग देंगे, एक के अंदर 10 का भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आता है, 0.1। ये 0.1 दोस्तों ये क्या आपका, शांत है। शांत का मीन्स कि यहाँ पे भाग है वो आपका बार बार नहीं जाएगा, आपका भाग है यहाँ पे एक ही बार जाएगा, ठीक है ना। ये 0.10 भाग शांत हो गए, यहाँ पे भाग क्या है, शांत नहीं हो रहा है, ये बार 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 चलता ही जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया कि इन सभी को हमने सोल्व कर लिया, दशमलव प्रसार शांत किन किन का आ रहा है वो अभी आपको चेक करना है। आपको चेक क्या करने के बताना था कि जिन जिन का भी दशमलव प्रसार शांत आ रहा है ना, उनकी क्यू यानी हर में क्या स्पेशल है, ऐसा क्या है उनके हर के अंदर कि उनका दशमलव प्रसार शांत आता है, ठीक है। चलिए हम चेक कर लेते हैं, इसका दशमलव प्रसार हमारे पास क्या है, शांत है। इसका क्यू यानी जो हर है वो क्या है, 2 है, लिख दिया भाई 2 है इसका। यहाँ पे हर कितना है, 3 है, ये दशमलव प्रसार अशांत है तो इसे हमें नहीं लेना है। यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 आया तो यहाँ पे क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। 4 आया तब क्या है आपका, दशमलव प्रसार शांत है। फिर आपका 5 आया, 5 आने पे भी क्या है आपका, दशमलव प्रसार है, शांत है, ठीक है। तो हमने 5 भी लिख लिया। नेक्स्ट हम बात करें 6 लिया तब इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा। इसी प्रकार आप 7, एक के अंदर आपको 7 का भाग देकर देख लीजिए, इसका भी प्रसार है वो अशांत अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। यानी भाग है वो कभी भी रुकेगा नहीं, अशांत आवर्ती होगा। फिर हमने 1/8 लिया, इसका भी भाग कितना, ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लीजिया। फिर 9, इसका भी भाग है ये क्या हुआ, शांत नहीं है, बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हमें नहीं लेना है, ये शांत क्या है। एक के अंदर हम 10 का भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत आया, तो हम क्या करेंगे, 10 को भी लिख लेंगे। अब जो ये मान हमारे पास आ रहा है ना, इनके अंदर क्या कॉमन है, ठीक है। इनके अंदर क्या है, पहला तो 2 है, दूसरा क्या है, 4 है, यानी ये 2 की पावर 2 है। फिर आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर 8 है, 8 कितनी है, 2 की पावर 3 है। फिर आपका 10 है, यानी 10 क्या है, 5 × 2 × 5। इसका मीन्स यही है कि जब अगर हर के अंदर आपका 2 होता है या 2 की पावर के अंदर कोई भी संख्या होती है, 2 की पावर 10 5 हो सकती है, यानी 2 × 2 × 2 कितनी बार, आपका 5 बार है, ठीक है। या आपका हर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 5 हो, या क्या हो, 2 की क्यूब हो, यानी पावर कोई भी हो सकती है 2 की, या आपका 2 × 5 हो, या आपकी 2 की पावर हो, ठीक है, या 5 की पावर हो। हर के अंदर अगर आपके हर के अंदर याद तो क्या होता है, 2 होता है, या 2 के पावर में कोई संख्या होती है, या 5 होता है, या 5 के पावर में कोई संख्या होती है, ठीक है, या 2 × 5 होता है, या 2 × 5 के पावर में कोई संख्या होती है, तो उसका क्या होता है, दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। तो ये दोस्तों आपके क्यू की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये क्यू का एक अभीष्ट गुण हो गया।
समझ में आया क्या दोस्तों? अगर समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको यस कर देना है। मैं थोड़ा सा जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूं कि आपको बोला गया था कि आप अनेक एग्जांपल ले लीजिए परिमेय संख्या के जो कि क्या हो, पी बटा क्यू के रूप में हो, पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। तो हमने ये एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल लिया। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन थी कि इनमें क्या है, अभिनिष्ट गुणनखंड वो सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, यानी जो ऊपर और नीचे वाली संख्या वो केवल एक से कटेगी, दोनों एक साथ संख्या किसी और अंक से नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने इनमें सभी में इनका भाग दे देकर चेक किया कि कौन सा शांत है, कौन सा दशमलव पर चार अशांत है, कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है, ये हमने चेक किया। सभी का मान निकालने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे, एक रिजल्ट पे पहुंचे कि जहां जहां भी आपका क्यू का मान 2 आ रहा था या 5 आ रहा था या 2 की पावर में कोई मान आ रहा था या 5 की पावर में कोई मान आ रहा है या 2 गुणा 5 के गुणा में कोई मान आ रहा है, तो उनका क्या होता है, दशमलव प्रसार हमेशा आपका शांत रहता है। ये आपको इतना सा इसमें याद रखना है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा हार्ड था, पॉइंट में आपको तोड़ तोड़ के इस क्वेश्चन को करना है, हर स्टेप बाय स्टेप इसको समझ के आपको क्वेश्चन को करना था, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगती है आप हमें फीडबैक है वो जरूर देना। मुझे उम्मीद रहेगी कि क्लास आपको पसंद आएगी, आपके लिए हेल्प रहेगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी आप जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।